हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कीबोर्ड में जो टैब की यहाँ पे शो हो रही है, इस टैब की मैं आप लोग 10 यूज ऐसे बताऊंगा जो इन फ्यूचर आप लोगों को कभी ना कभी काम में आ जाएंगे। और जैसे टैब की का दूसरा नाम क्या है ये भी मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो टैब की के यूज बताने के बाद में लास्ट में टैब की का जो दूसरा नाम है ये भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर देना और वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाएगा। तो टैब का फर्स्ट यूज है, जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अगर स्क्रीन के ऊपर आप लोग कहीं पे भी एक्सेस करना है तो यहाँ पे जैसे आइकॉन यहाँ पे शो हो रहा है और नीचे यहाँ पे टास्क बार शो हो रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ पे जो भी आइकॉन है यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आप लोग कोई आइकॉन ओपन करना है, जैसे मुझे यहाँ पे दिस पीसी ओपन करना है लेकिन विदाउट माउस, जैसे अगर आप लोगों का माउस खराब हुआ है या अगर आप लोग माउस से ओपन नहीं करना है, जैसे अगर माउस से ओपन करना है तो आप लोग डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो लेकिन माउस से क्लिक नहीं करना है, आप लोग कीबोर्ड से ओपन करना है तो कैसे करेंगे? और यहाँ पे टास्क बार पे जितने भी आप लोगों को ऑप्शन शो हो रहे हैं इसे हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग टैप बटन प्रेस करना है। जैसे आप लोग टैप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को शो हुआ और जो स्टार्ट बटन यहाँ पे शो है उसके ऊपर सिलेक्शन आया। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस कर दूंगा तो ये जो स्टार्ट मेनू है यहाँ पे पूरी लिस्ट ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे टैब से आप लोग देख सकते हो, और जैसे मुझे ये लिस्ट कैंसिल करना है तो मैं सिर्फ एस्केप बटन प्रेस कर दूंगा, एस्केप करने के बाद इसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो उसका ऑप्शन स्टार्ट से डायरेक्ट यहाँ पे हाइड एक्स रूप पे चला गया, सिलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे शो हिडन आइकॉन इस ऑप्शन के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। जैसे मैं फिर से टैप बटन प्रेस कर दूंगा यहाँ पे जो शो डेस्कटॉप ये ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में शो होता है इसके ऊपर यहाँ पे ये सिलेक्शन चला जाएगा। और जैसे मैं टैप बटन प्रेस करूंगा, जैसे टैप बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ये मेरा फर्स्ट यहाँ पे आइकॉन है। आप लोगों के सिस्टम में जो आप लोग डेस्कटॉप पे फर्स्ट आइकॉन शो होगा उसके ऊपर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंप होने के बाद में उस आइकॉन के ऊपर आप लोग यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर यहाँ पे शो होंगे, मतलब यहाँ पे ये आइकॉन सिलेक्ट होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे जो भी आइकॉन ओपन करना है तो आप लोग कीबोर्ड के एरो की से उसे यूज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे दिस पीसी पे जाना है तो यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस कर दूंगा, डाउन एरो की प्रेस करने के बाद में यहाँ पे मैं जैसे दिस पीसी पे चला जाऊंगा और दिस पीसी पे आने के बाद में सिर्फ मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा। एंटर बटन प्रेस करने के बाद में जो भी आइकॉन वहाँ पे दिस पीसी का शो हो रहा था अब यहाँ पे आप लोग सामने उसकी विंडो ओपन हो जाएंगे। जो भी आइकॉन आप लोग चाहिए एरो की से आप लोग सिलेक्ट करके सिर्फ उसे एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद में टैब की का नेक्स्ट यूज है, जैसे आप लोग यहाँ पे वर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन इनबिल्ट जो दिया जाता है वर्ड के अंदर, जैसे आर ए एन डी और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट दे दो एंटर कर दो। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को 5 पैराग्राफ यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएंगे। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप लोगों को पैराग्राफ स्पेस चाहिए, अगर आप लोग कीबोर्ड का स्पेस बार से अगर प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक बार प्रेस करने से सिर्फ एक ही स्पेस वहाँ पे काउंट होगा। जैसे मैं फिर से बटन प्रेस कर दूंगा तो सिर्फ एक ही स्पेस काउंट होगा। यहाँ पे अगर आप लोग पैराग्राफ स्पेस चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ। जैसे टैब बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी आप लोग पैराग्राफ स्पेस चाहिए तो यहाँ पे रेडीमेड आप लोग मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ के बाद में थर्ड पैराग्राफ पे क्लिक कर दूंगा, थर्ड पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद में सिर्फ मैं टैब बटन प्रेस करूंगा। टैब बटन प्रेस करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को जो स्पेस चाहिए जो यहाँ पे पैराग्राफ स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैब बटन से एडजस्ट हो जाएगा। उसका भी टैब का नेक्स्ट यूज है, जैसे आप लोग कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो, जैसे मैं यहाँ पे जीमेल का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे मुझे फर्स्ट नेम पूछा गया है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम देंगे ताज, और जैसे मैंने मेरा नाम दिया उसके बाद लास्ट नेम पे अगर मुझे जाना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ टैब बटन प्रेस कर दूंगा। टैब बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कर्सर मेरा फर्स्ट नेम पे यहाँ पे शो हो रहा है अब यहाँ पे लास्ट नेम पे यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद फिर से मैं अगर टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे यूजर नेम पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखना जो भी फॉर्म अगर आप लोग फिलअप कर रहे हो आप लोग नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे या नेक्स्ट फील्ड पे अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग टैब बटन की मदद से वहाँ पे उसे जंप कर सकते हो। उसके बाद में टैब का नेक्स्ट यूज है, जैसे आप लोग यहाँ पे फॉर्म पे देख रहे हो अगर आप लोगों को नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे या नेक्स्ट फील्ड पे जाना तो आप लोग टैब बटन यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे गलती से जैसे मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पे हुआ ताज नाम टाइप करके, उसके बाद मुझे लास्ट नेम टाइप करना था और गलती से मैं यहाँ पे यूजर नेम नीचे आ गए और मुझे यहाँ पे लास्ट नेम पे जाना है। तो यहाँ पे विदाउट माउस आप लोग यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ में टैब बटन प्रेस कर दो तो यहाँ पे आप लोग रिवर्स आ सकते हो। यहाँ पे जैसे मेरा नेम यहाँ पे जो शो रहा है उसमें अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे मैं फिर से शिफ्ट बटन के साथ में टैब बटन प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे फिर से रिवर्स आ सकता हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप लोगों को नेक्स्ट फील्ड या नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है तो आप लोग यहाँ पे टैब बटन यूज करोगे, और अगर आप लोग रिवर्स आना है तो आप लोग शिफ्ट बटन के साथ में टैब बटन यूज करोगे। उसके बाद में टैब का नेक्स्ट यूज है, जैसे यहाँ पे इंसर्ट
टैब पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जैसे मैं टेबल ले लेता हूँ और टेबल लेने के बाद में जैसे यहाँ पे टेबल मेरा शो हो रहा है तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे कर्सर मेरा ब्लिंक हो रहा है फर्स्ट रो में, और मुझे सेकंड कॉलम में जाना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ टैब बटन प्रेस कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो टैब है जो प्रेस करने के बाद में कर्सर आप लोग सेकंड कॉलम में शो होगा। उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे एरो की से भी मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं राइट एरो प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे मैं थर्ड कॉलम में चला जाऊंगा, फिर से राइट एरो प्रेस करूँ तो फोर्थ कॉलम में चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एरो का एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे एरो बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे तो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, लेकिन जैसे लास्ट कॉलम पे आने के बाद में मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसके सेकंड रो पे जाना है। अगर मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा कर्सर है अब यहाँ पे टेबल के बाहर ब्लिंक हो रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो फिर से अंदर ले लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं टैब बटन प्रेस करूंगा, टैब बटन प्रेस करने के बाद में आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं कि जो कॉलम आप लोगों का फर्स्ट है उसके सेकंड रो में यहाँ पे आप लोगों का कर्सर ब्लिंक होगा। तो यहाँ पे टेबल में आप लोग एरो पे भी यूज कर सकते हो या फिर टैब भी यूज कर सकते हो, लेकिन टैब से जब आप लोग यूज करोगे तो टेबल के अंदर जितने भी सेल शो होंगे उस सेल के ऊपर आप लोग यहाँ पे टैब की मदद से जा सकते हो, या फिर अगर आप लोग रिवर्स आना है यहाँ पे सेल के ऊपर तो यहाँ पे आप लोग शिफ्ट बटन के साथ में टैब बटन प्रेस करोगे तो आप लोग यहाँ पे रिवर्स भी आ सकते हो। उसका जो टैब का नेक्स्ट यूज है, जैसे आप लोग यहाँ पे जितने भी विंडो ओपन करोगे, जिसमें टास्क बार में यहाँ पे शो हो रहा है कि जैसे फर्स्ट विंडो यहाँ पे मेरी शो हो रही फाइल एक्सप्लोर जिसमें दिस पीसी मैंने ओपन किया था, उसके बाद में यहाँ पे मेरा फिल्म वाला सॉफ्टवेयर का ये विंडो शो हो रही है, उसके बाद में यहाँ पे वर्ड की विंडो शो हो रही है, और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गूगल क्रोम की मेरी विंडो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करना है कौन सी विंडो आप लोगों ने ओपन की है तो सिर्फ अल्ट बटन के साथ में टैब बटन प्रेस कर दो और अल्ट बटन आप लोग प्रेस करके ही रखना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे वर्ड मेरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन है, उसका गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन है, उसका दिस पीसी की मेरी विंडो ओपन है, और यहाँ पे जो मेरा फिल्म है इसकी विंडो ओपन है। जैसे मुझे यहाँ पे दिस पीसी के ऊपर जाना है तो अल्ट बटन प्रेस करके रखना है और साथ में टैब बटन प्रेस करना। जैसे मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नेक्स्ट विंडो पे चला गया, उसका फिर से मैं टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं दिस पीसी पे चला गया, और जैसे मैं दिस पीसी पे चला गया मुझे दिस पीसी ओपन करना है तो यहाँ पे आने के बाद मैं अल्ट बटन छोड़ दूंगा। जैसे अल्ट बटन प्रेस किया मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पे दिस पीसी की विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ पे वो विंडो ओपन करने के लिए जैसे अल्ट बटन साथ में टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो आप लोग जो भी विंडो चाहिए आप लोग यहाँ से सिर्फ टैब बटन प्रेस करते करते यहाँ पे जो भी विंडो चाहिए आप लोग ओपन कर सकते हो। उसके बाद टैब का नेक्स्ट यूज है, जैसे मैंने प्रीवियस यूज बताया आप लोगों की अल्ट बटन साथ में टैब बटन यूज किया तो आप लोग नेक्स्ट यहाँ पे विंडो के ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस विंडो पे आना है, जैसे यहाँ पे मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे जो मेरा गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन है, लेकिन मुझे दिस पीसी ओपन करना है, लेकिन दिस पीसी कहाँ पे इसके पीछे, तो यहाँ पे वर्ड के पीछे मुझे रिवर्स आना है तो यहाँ पे अल्ट बटन साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करना, उसके साथ में टैब बटन प्रेस करना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर्स रिवर्स आ सकते हैं। अल्ट टैब से आप लोग नेक्स्ट आ सकते हैं, और अगर आप लोग प्रीवियस आना है तो अल्ट शिफ्ट टैब अगर बटन प्रेस करूँ तो आप लोग प्रीवियस आ सकते हैं। उसके बाद में आप लोग बटन जो अल्ट बटन प्रेस किए थे वो छोड़ दो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस पीसी मेरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद में टैब बटन का नेक्स्ट यूज है, जैसे अगर आप लोगों जितने भी विंडो ओपन किए थे, जैसे विंडो बटन साथ में टैब बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने विंडो ओपन है यहाँ पे फोर विंडो मेरे ओपन शो हो रही है, और जो प्रीवियस जो मैंने विंडो ओपन किए हुए थे जो भी इमेजेस ओपन किए हुए थे, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अर्लियर टुडे, और यहाँ पे जैसे डेट के साथ में आप लोगों को शो होगा जो भी आप लोगों ने विंडो ओपन किए थे इमेज के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री है, अगर आप लोगों को चेक करना है विंडो बटन साथ में टैब बटन यूज करेंगे तो विंडोज 10 में आप लोगों को हिस्ट्री मिल जाएगी, और अगर आप लोग विंडोज 7 यूजर है तो विंडोज 7 में जैसे मैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीन शो कर रहा हूँ तो विंडोज 7 में आप लोगों को इस टाइप में यहाँ पे विंडो शो होंगे, विंडो टैब के साथ में आप लोगों को हर एक स्क्रीन यहाँ पे शो होंगी, और उसमें से आप लोग सिर्फ टैब बटन प्रेस करके वहाँ पे आप लोग जो भी विंडो चाहिए आप लोग चॉइस कर सकते हैं। तो ये विंडोज 7 के लिए, और जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये विंडोज 10 के लिए। उसके बाद में अगर इसे कैंसिल करना है सिर्फ एस्केप बटन प्रेस कर दो। उसके बाद टैब का नेक्स्ट यूज है, जैसे आप लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर में जो भी पेज ओपन करोगे, जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके अमेजोन का एक पेज ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट का एक पेज ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे पेज ओपन करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला जो मेरा पेज था यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जिसमें गूगल का अकाउंट मुझे क्रिएट करना था, और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है जो वेब पेज यहाँ पे शो हो रहा है, नेक्स्ट वेब पेज पे या वेबसाइट पे अगर मुझे जाना है तो यहाँ पे मैं कंट्रोल बटन साथ में टैब बटन जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल जो मेरा अकाउंट क्रिएट था वो पेज से हम लोग डायरेक्ट अमेजोन पे आ सकते हैं, और मैं फिर से कंट्रोल बटन साथ में टैब बटन प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि अमेजोन पेज से डायरेक्ट आप लोग फ्लिपकार्ट के पेज पे जंप कर सकते हो। और अगर आप लोगों को यहाँ पे रिवर्स आना है तो यहाँ पे आप लोग कंट्रोल शिफ्ट और टैब बटन प्रेस करोगे तो जो आप लोग फ्लिपकार्ट का पेज शो हो रहा था यहाँ पे अमेजोन का पेज शो होगा, और फिर से कंट्रोल शिफ्ट अगर टैब करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों का गूगल का जो अकाउंट क्रिएट करना था वो पेज यहाँ पे शो होगा।
तो आप समझ गए होंगे कंट्रोल टैब से आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट टैब से आप लोग प्रीवियस यहाँ पे टैब पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग विदाउट माउस आप लोग अपने कीबोर्ड के इस टैब की मदद से उसके साथ में कंट्रोल और शिफ्ट यूज करने के बाद में आप लोग यहाँ पे जितने भी वेब पेज ओपन है उसके ऊपर डायरेक्ट जंप कर सकते हो। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे टैब की के 10 यूजेस बताया, अब टैब की का दूसरा नाम क्या है, तो टैब की का दूसरा नाम है टैबुलर की या फिर उसे टैबलेटर की भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप लोगों जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।